क्या आप दूरस्थ शिक्षा में नामांकन के लिए इच्छुक और तैयार हैं? नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यानी DDE या इसका नया नाम सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन में एडमिशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थापित है और एक राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय है और सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इसका केंद्र है जो दूरस्थ शिक्षा प्रदान करता है। केंद्र के विभिन्न स्थानों पर 14 क्षेत्रीय और अखिल भारतीय स्तर पर 160 से अधिक शैक्षणिक केंद्र हैं। क्षेत्रीय केंद्रों के अंतर्गत शिक्षार्थी सहायता केंद्रों में प्रवेश दिए जाते हैं। प्रवेश के लिए आपको 3 चरणों से गुजरना होगा, जिन्हें आप एक साथ पूरा कर सकते हैं या प्रवेश के समय तक अपनी सुविधा के अनुसार आवश्यक क्रेडेंशियल के साथ सभी विवरण दर्ज करके फॉर्म भर सकते हैं। पहला चरण पंजीकरण करना है, जिसमें आप अपने मोबाइल और ईमेल आईडी के माध्यम से OTP प्राप्त करके खुद को एक उम्मीदवार के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। दूसरा चरण एक प्रोफाइल बनाना है, जिसमें आप अपना ABC आईडी और डेब आईडी के साथ साथ अपने माता पिता का नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता आदि भरेंगे, जो वर्तमान वर्ष से एक नई विधि और महत्वपूर्ण कदम है। ABC आईडी और DEB आईडी के लिए अधिक विवरण डिजी लॉकर और DEB वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं। अंतिम चरण में आप प्रोग्राम चुनेंगे। जब अधिसूचना आती है तो आपको विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित सभी कार्यक्रमों का विवरण अवश्य जांचना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, UG और PG स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम प्रदान करता है। UGC अधिसूचना के अनुसार आप एक साथ 2 कार्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं, चाहे वे आमने सामने, दूरस्थ या मिश्रित कार्यक्रम हों। अधिक विवरण अगले वीडियो में आएंगे, तब तक मुझे अनुमति दें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।